गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमआर डेक्स। आज मैं तुम लोग नवम श्रेणी द फान दे हेड पार्टिर कईटामान अतिरिक्त प्रश्न मैं तुम लोग आग बढ़ाई। आगर भिडिओ कितबर जी प्रश्न उत्तर आखिनी कर दिल। एबार मैं कितबर बाहर अर्थात तो लेसनर भर कईटामान क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन आग बढ़ाई। तुम लोग खूब मनोजोगे सबा और बहित नोट कर लबा और तुम लोग मोर चेनेल तो जो क्या नतुनक आंते प्लीज सबसक्राइब कर लाइक और कमेन्ट कर नपहरबा। तो बोला इतना आम प्रश्नबूर आलोचना करूँ। नम्बर वन, ह्वाट वाज द रियल बुक डेट टमी फाउंड अबाउट। आन्सार तो हम इट वाज अबाउट स्कूल। नम्बर टू, ह्वाट इट इट मार्गी हेट। आन्सार सी हेटेड स्कूल, स्कूल बेहद पासी घीन कर। नम्बर थ्री, ह्वाट हेट द मेकानिकल टीचार बीन गिविंग मोर और टू मार्गी, जो मेकानिकल शिक्षक जने मार्गी की दिल। आन्सार द मेकानिकल टीचार हेड बीन गिविंग टेस्ट आफ्टार टेस्ट टू मार्गी इन जियोग्राफी। मेकानिकल टीचार जने मार्गिक जियोग्राफिर ऊपर परीक्षार ऊपर परीक्षा दी आसिल। तार पिसर क्वेश्चन टू, व्हाई डिड मार्गिस मादार सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। मार्गिसर माके काउंटी इंस्पेक्टरक क्यों माति पठियाइसिल, अर्थात मेकानिक जनक क्यों माति पठियाइसिल। आन्सार सी सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज मार्गी हेड बीन डुइंग ऑर्स एंड ऑर्स इन हार जियोग्राफी टेस्ट। जिमान बारे परीक्षा दिसिल मार्गिया हिमान बारे तो बेयातको आरो बेसी बेया करी आसिल रिजल्टबुर, हे कारणे ताय काउंटी इंस्पेक्टर जनक माति पठियाइसिल। व्हाई डिड मार्गी हेट स्लॉट मोस्ट, जे मार्गिया स्लॉटबुर कियो बेसी बेया पाइसिल, एतो जे स्लॉटत भराबो लागिसिल हेतु कियो बेसी बेया पाइसिल। आन्सार मार्गी हेटेड स्लॉट्स मोस्ट बिकॉज सी हेड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स इन इट। तई स्लॉटक बेहद पासी जीतु कम्पिटर निर्दिष्ट स्लॉटत तो होमवर्क और टेस्ट पेपर आन्सार खि तक भरा दु लगी और हेकारे पार्ट तो बेहद पासी। ह्वाट वाज रंग उथ द जियोग्राफी सेक्टर अफ मार्गिस मेकानिकल टीचार, जे मार्गिजर जी मेकानिकल टीचार आसिल अर्थात कम्पिटर आसिल, हे कम्पिटर तो जियोग्राफी सेक्टर तो की विजुति होइसिल अर्थात की बेया होइसिल। आन्सार द जियोग्राफी सेक्टर अफ मार्गिस मेकानिकल टीचार वाज गियार्ड ए लिटल टू क्विक, अर्थात मार्गिर जी कम्पिटर आसिल हे कम्पिटर जी जियोग्राफी सेक्टर तो जी मैं तक दिया आसिल हे जियोग्राफी सेक्टर तो तार मैं तर बयसतको अलग बेसि ग्यारत दिया आसिल। व्हाट डू यू मीन बाय ए रेगुलर टीचर, जे एजन रेगुलर टीचर बुली कले तुमी की बुझी पुआ। आन्सार इट मीन्स द मेकानिकल टीचर डेट एपियार्स ऑन द टेलीविजन स्क्रीन एट द फिक्स्ड टाइम। यार द्वारा ये बुझा जाए टिविर स्क्रीन फिक्स समय जी जन मेकानिकल टीचार ऊल अर्थात कम्पिटर भर एजन मानु ऊल पार्टबूर शिकाय सीजनक मेकानिकल टीचार बुली रेगुलर टीचार बुली कैसे मेकानिकल टीचार जनक रेगुलर टीचार बुली कैसे। ह्वाट इज द नेम अफ मार्गिस मादार, मार्गिर माकर नाम कि आसिल। आन्सार हार नेम इज मिसेस जन्स, तार नाम आसिल श्रीमती जन्स। ऑन हुच टू डेज देयर केम नो मेकानिकल टीचर ऑन द टीवी स्क्रीन, जे कुन दुटा दिन टीवीर स्क्रीन शिक्षक जन ना है। आन्सार ऑन सैटरडे एंड सन्डे। ह्वाट सब्जेक्ट डिड टमी लार्ण, टमिये कि विषय शिकिसिल। आन्सार हि लार्ण हिस्ट्री, तेओ हिस्ट्री शिकिसिल। तार पिसर प्रश्न, नेम द राइटर अफ द लेसन द फान दे हेड। द फान दे हेड नामर
পাঠটোর লেখকজন কোন? আনসার আইজাক আসিমভ। আইজাক আসিমভ। তারপিছৰ কুৱেশ্যন, ডেস্ক্রাইব দ্য বুক ডেট টমি হেড ফাউণ্ড ইন দ্য এটিক। যে টমিয়ে সেই এটিকত অর্থাৎ সেই গুদামঘৰত যিটো কিতাপ পাইছিল সেই কিতাপৰ বিষয়ে অলপ বর্ণনা কৰিব দিছে। আনসারটো হ'ব টমি ফাউণ্ড এ ৰিয়েল বুক ইন দ্য এটিক অফ হিজ হাউচ। যে টমিছে তেওঁৰ ঘৰৰ সেই গুদামত এটা প্রকৃত কিতাপ পাইছিল। দ্য পেজেস হেড টার্নড ইয়েলো। কিতাপৰ পাতবোৰ হালধীয়া হৈ গৈছিল। এণ্ড ক্ৰিংকলি আৰু সেইবোৰ ভাঁজ খাই যোৱা হৈছিল, অৰ্থাৎ ভাঁজ খালে ভাঙি যোৱা নিচিনা হৈছিল। বিকজ ইট ৱাজ এট লিষ্ট 200 ইয়াৰ্ছ অল্ড। যিহেতু এইটো প্ৰায় কমপক্ষেও 2 বছৰৰ পুৰণি এটা কিতাপ আছিল। 200 ইয়াৰ্ছ কমেও 200 বছৰ পুৰণি এটি কিতাপ আছিল। সেইকাৰণে পাতবোৰ হালধীয়া হৈ গৈছিল আৰু পাতবোৰ ভাঁজ কৰিলে মাজত ভাঙি গৈছিল। মোৰ অভাৰ ইয়াৰ উপৰিও ইট ৱাজ অল কভাৰ উইথ ডাষ্ট এজ ইট হেড বিন লাইং ইন দ্য এটিক ফৰ এজেছ। যে বহুদিন ধৰি এই কিতাপটো এটিকত গুদামঘৰত পৰি থকাৰ কাৰণে গোটেই পাতবোৰ ধূলিয়ে ভৰি আছিল। তাৰ পিছত প্ৰশ্ন, ডিড মাৰ্গী লাইক দ্য প্ৰিণ্টেড বুকছ। ছপা কৰা কিতাপবোৰ মাৰ্গীয়ে ভাল পাইছিল নে? হোৱাই। যদি পাইছিল কিয় আৰু যদি পোৱা নাছিল হোৱাই নট। কিয় ভাল পোৱা নাছিল? মাৰ্গী ৱাজ চ' এক্সাইটেড টু নো ডেট টমি হেড ফাউণ্ড এ ৰিয়েল বুক হুইচ ৱাজ আনলাইক দ্য অন স্ক্ৰীন বুক ডেট টু ৱেৰ ইউজ টু ৰিডিং। যে তেওঁলোকে মাৰ্গী মানে সেই কিতাপটো টমি এটা ৰিয়েল কিতাপ পাইছিল, সেই কিতাপটো পোৱাৰ কাৰণে মাৰ্গী মানে শুনি পেলাই খুব এক্সাইটেড হৈ গৈছিল। যিটো কিতাপ নেকি পঢ়াৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। ডেট চি ৰেকৰ্ডেড দ্য ডিস্কভাৰী ইন হাৰ ডায়েৰী। আৰু তেওঁ যে তেনেকুৱা এটা কিতাপ পাইছিল, ৰিয়েল কিতাপ পাইছিল, সেই বিষয়টো তাই নিজৰ ডায়েৰীত লিখিছিল। এজ চি টাৰ্ণ্ড দ্য য়েল' এণ্ড ক্ৰিংকলি পেজেছ অফ দ্য বুক উইথ টমি। টমিৰ লগত যেতিয়া তাই সেই য়েল' আৰু পুৰণা হৈ যোৱা ভাঁজ হৈ যোৱা সেই ভাঁজ দিলে ভাঙি যোৱা সেই কিতাপটো যেতিয়া লুটি আহিছিল, চি ফাউণ্ড ইট অফুলি ফানি টু ৰিড ইট। তাই এইটো পঢ়াটোত খুব আনন্দ ভোগ কৰিছিল, পাইছিল, আনন্দ পাইছিল। হোৱাইল টমি ফাউণ্ড ইট এ ৱেষ্ট। আৰু আনহাতে টমিয়ে এইটোক মানে অলাগতিয়াল বস্তু হিচাপে, আৱৰ্জনা হিচাপে তাই ভাবিছিল। মাৰ্গী ৱাজ ফেচিনেটেড বাই ইট এণ্ড লাইক ইট। মাৰ্গীয়ে সেই কিতাপটো খুব ভাল পাইছিল। তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন, হোৱাট এ ৱেষ্ট। ৱেষ্ট মানে কি কৈছে? হোৱাট ইজ টমি ৰেফাৰিং টু এজ এ ৱেষ্ট। যে ৱেষ্ট বুলি টমিয়ে কিহক বুজাব বিচাৰিছে? ইজ ইট ৰিয়েলি এ ৱেষ্ট? এইটো আচলতে ৱেষ্ট আছিলে নে হয়? ৱেষ্ট মানে হ'ল আৱৰ্জনা, কাগজ পাতি, চব্জিৰ পৰা যিখিনি আমি কাটি পেলাই দিওঁ, মানে অলাগতিয়াল বস্তুবোৰক ৱেষ্ট বুলি কোৱা হয়। যে প্ৰকৃততে সেই কিতাপটো এটিও অলাগতিয়াল আৱৰ্জনা সদৃশ বস্তু আছিল নে? আনচাৰ, টমি থিংকছ। টমিয়ে ভাবিছিল ডেট দ্য পেপাৰ বুক উইথ ৱৰ্ডছ প্ৰিণ্টেড এণ্ড ফিক্সড অন দেম আৰ এ ৱেষ্ট। টমিয়ে ভাবিছিল যে ছপা কৰা সেই কিতাপবোৰ একো একোটা ৱেষ্টহে আছিল, এইবোৰ আৱৰ্জনা অলাগতিয়াল বস্তুহে আছিল। ৱান্স এ বুক ইজ ৰিড, এবাৰ কিতাপটো পঢ়াৰ পিছত ইট বিকামছ ইউজলেছ এণ্ড মাষ্ট বি থ্ৰ'ন এৱে বিকজ ইট হেজ দ্য চেম কণ্টেণ্ট। তাই ভাবিছিল যে এই কিতাপটো এবাৰ পঢ়ি দিয়াৰ পিছত এইটো পেলাই দিব লাগিব, যিহেতু এই কিতাপটোত একেৰকমৰ বস্তুৱেই থাকে। একচুৱেলি প্ৰকৃততে প্ৰিণ্টেড বুকছ আৰ নট এ ৱেষ্ট। ছপা কৰা কিতাপবোৰ কোনো অলাগতিয়াল বা আৱৰ্জনা নহয়, পঢ়াৰ পিছত সেইবোৰ আৱৰ্জনা হৈ নাযায়। দে কেন বি ৰিড বাই মেনি পিপল অভাৰ এণ্ড অভাৰ এগেইন এণ্ড। যে সেই কিতাপবোৰ মানুহে বাৰে বাৰে বহু যুগলৈকে পঢ়িব পাৰে। শ্বুড বি প্ৰিজাৰ্ভড ফৰ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যন। আৰু নৱপ্ৰজন্মৰ কাৰণে, ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে সেইবোৰ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰি। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো, হাউ ডাজ টমি ফাইণ্ড দ্য টেলিবুকছ অফ হিজ অ'ন টাইম টু বি বেটাৰ। যে তাই তেওঁৰ যুগৰ সেই টেলিবুকছবোৰক কিয় তেওঁ এই ছপা কৰা কিতাপতকৈ বেছি ভাল পাইছিল? টমি ফেল্ট ডেট হিজ টেলিবুকছ ৱেৰ বেটাৰ দেন দ্য প্ৰিণ্টেড বুকছ। তাই ভাবিছিল যে ছপা কৰা কিতাপতকৈ তেওঁৰ টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণত যিবোৰ কিতাপ ওলায়, টেলিবুকছ, সেইবোৰে বেছি ভাল।
एनसियंट टाइम बिकज कारण दे कुड बी स्टोर्ड ऑन टेलीविजन जेतु हेबुर टेलीविजन संरक्षण कर रखिब पारि एंड रीड एगेन एंड एगेन और हेबुर बारे बारे जेते मन जाय उलिया पढ़िब पारि दे ऑक्युपाइड वेरी लिटिल स्पेस एज कम्पेयर्ड टू द प्रिंटेड बुक्स जे हेबुर टीवीर स्क्रीन जब किताब कम्पिटार जब किताब थके टेलीबुक्स है टेलीबुक्स खूब सामान्य जगह आगुरी रखे और आनहते प्रिंटेड किताबूर अर्थात छपा करा किताबूर बहुत जगह लय एंड नीड नॉट बी डिस्कार्डेड वान्स दे हेड बीन रीड और हेबूर एबार पढ़ार पिछत हेबूर डिस्कार्ड माने हेबूर काटि दियार कोनो डिलीट कर दियार कोनो प्रयोजनीयता नाथाके। क्वेश्चन नंबर 16 व्हाई हेड मार्गी स्टार्टेड हेटिंग हार स्कूल जे मार्गी तार स्कूल किय बेया पाबले धरिसिल आंसर मार्गी नेवर लाइक्ड स्कूल मार्गी केते स्कूल भल पुआ ना आसिल बट रिसेंटली हार हेट्रेट हेड इज इनक्रीज किंतु तार जितु घृणा भाव स्कूल प्रति हेतु आरो बाढ़ी गसिल बिकॉज ऑफ हर पुअर परफॉर्मेंस इन जियोग्राफी टेस्ट जेहेतु तेर जियोग्राफी टेस्ट खूब बेया करी आसिल रहेकारणे तेर स्कूल प्रति आरो बेसी मनटु मन मानने विद्रूप सृष्टि घृणा सृष्टि हार मेकानिकल टीचर गेप हार वन टेस्ट आफ्टर अनदार तार जी मेकानिकल टीचर आखे परीक्षार पिछत परीक्षा पाती दी आंड हार परफॉर्मेंस वेंट ऑन बिकमिंग वर्स एंड और तार प्रत्येक परीक्षा तार रिजल्ट बेहतक और बेहद हो व्हाट डिड मार्गी हेट द मोस्ट अबाउट हार स्कूल स्कूल मार्गी आटतको बेसि बेहद पासी आंसर द पार्ट डेट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट व्हेयर सी हेड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर जो मार्गी स्कूल जीडोर बस्तुक आटतको बेसि बेहद पासी काम आलट जैसे तो होमवर्क और टेस्ट पेपर आन्सारबूर भराब लगे She always had to write them in a passcode that she was made to learn at the tender age of 6. तो हे छः बसर बयसते हे पासकोड व्यवहार कर स्लॉट लिखा काम तो खूब बेहद पासी Besides, तदुपरी the mechanical teacher calculated her marks in no time, which left no scope for Margie to relax after submitting the assigned tasks. আৰু এটা কাৰণ হৈছিল যে যিজন মেকানিকেল টিচাৰ আছিল মেকানিকেল টিচাৰজনে তেওঁ স্লটত হোমৱৰ্কখিনি ভৰাই দিয়াৰ লগে লগে হিচাপ কৰিছিল কৰি পেলাই আকৌ আৰু এটা হোমৱৰ্ক দি আৰু এটা কাম দিছিল কিন্তু ইমান সোনকালে তেওঁ বহীবোৰ চেক কৰিছিল যে হেৰি মাৰ্গীয়ে মানে ৰিলেক্স হোৱাৰ কাৰণে অলপ সময় পোৱা নাছিল আৰু এইবোৰ কাৰণতে তেওঁ স্কুলৰ তাৰ স্কুলৰ প্ৰতি অধিক ঘৃণা ভাৱ জন্মিছিল হোৱাট ৱাজ দ্য কাউণ্ট্ৰি ইনস্পেক্টৰ ট্ৰেইন টু যে কাউণ্ট্ৰি ইনস্পেক্টৰজনে কিহৰ বিষয়ে ট্ৰেইন কৰা হৈছিল কাউণ্ট্ৰি ইনস্পেক্টৰ ৱৰ্ক এজ এ টেকনিকেল এক্সপাৰ্ট যে কাউণ্ট্ৰি টিচাৰজন তেওঁ মানে টেকনিকেল এক্সপাৰ্ট হিচাপে কাৰিকৰী বিশেষজ্ঞ হিচাপে তেওঁক ট্ৰেইন কৰা হৈছিল যাতে তেওঁ বিভিন্ন বস্তু মেৰামতি কৰিব পাৰে কাৰিকৰী কৰিব পাৰে হি ৱাজ ট্ৰেইন টু আইডেণ্টিফাই এণ্ড rectify errors in the functioning of the system installed in the mechanical teacher the mechanical teacher arthat he computer burat ki ki mechanical kari kori bijuti goti se hebur sinakto kori hebur bhal koratu asil teor kam arthat hebur bhal koratu teok hikua hoisil how did the country inspector disappointed margi the country inspector jone मार्गी केनेकै माने अहुखी करिसिल असंतुष्ट करिसिल आंसर मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड बिकॉज सी हेटेड स्कूल जे मार्गी असंतुष्ट हिसिल कारण ताय स्कूलक बेया पाइसिल एंड होप्ड दैट हर मेकानिकल टीचर वुड बी टेकन अवे फॉर रिपेयर्स एज टॉमीज टीचर्स वाज वन टेकन अवे फॉर ए मंथ तो भाबिसिल जे টমির মেকানিক্যাল টিচারটো যেনেক বেয়া হয়ে যার পিছত এমাহর কারণে ঘরলৈ লৈ গৈছিল মেকানিক হেৰি টেকনিক্যাল যে ইন্সপেক্টরজনে
काउंटी इन्सपेक्टर जने ताई भाविसिल तार कंप्यूटर टू अर्थात तार हे मेकानिकल टीचर टू तार तेखेते लई जाबो बट व्हेन द काउंटी इन्सपेक्टर प्रॉम्प्टली रिपेयर्ड एंड रिसेट इट एट हर होम इटसेल्फ किंतु जेतिया ताई देखिले जे हे काउंटी इन्सपेक्टर जने तार घरते कंप्यूटर टू और रिपेयर एंड रिसेट रिपेयर करले भाल करले आरो पुनर तक सेटिंग करी थले सी वाज अनहैप्पी आरो हे कारणे ताय ओ हुकी होइसिल अर्थात ताय भाबिसिल किताब टू कंप्यूटर टू लई जाबो आरो जेतिया लई जाबो एक माह कारणे ताय एक माह समय लिखा पड़ा न करले होबो किंतु हेतु नुहुआर कारणे ताय माने डिसअपॉइंटेड होइसिल। हाउ द टॉमी डेस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स जे टॉमीए पुराना शिक्षक सकलर विषय केनेको वर्णना करिसे आंसर टॉमी टेल्स मार्गी डेट द टीचर इन ओल्डन टाइम्स वेर नॉट मेकानिकल कैसे जे पुराना जुगत आदिम जुगत जी हकल शिक्षक आसिल हे हकल मेकानिकल नहय बट रियल मैन किंतु तेलोक एको एको जन हसा मानु दे तत वेरियस थिंग्स टू बॉयज एंड गर्ल्स हिहते लरा स्वालीबुरक बहुबुर बस्तु हिकाय गेव देम होमवर्क हिहत गृहकर्म दिए एंड ऑल्सो आस्क देम क्वेश्चन आरो हिहतक विभिन्न दिखत प्रश्न करे। द टीचर वेंट टू ए स्पेशियल बिल्डिंग कॉल्ड द स्कूल आरो हे आदिम जुगर शिक्षक हकल स्कूल बोला एटा बिल्डिंग लई गइसिल होयर दे टट द चिल्ड्रन इन क्लासरूम जत नेकि शिक्षक हकले लरा स्वाली बुरक श्रेणी कोठात पाठदान दिसिल। व्हेन मार्गी वेंट टू हर स्कूल व्हाट डिड द टीचर ऑफ द स्क्रीन टीच मार्गी जेत्या स्कूल लई गइसिल तेत्या हे स्क्रीनत उलुआ कंप्यूटरत उलुआ शिक्षक जने ताय की हिकाइसिल आंसर व्हेन मार्गी वेंट टू हर स्कूल जेत्या त स्कूल लई गइसिल अर्थात हे तेर बेटर काखर हे कंप्यूटर थका टेबलत जेत्या गय कंप्यूटर टू स्विच दिसिल व्हिच वाज ए रूम नेक्स्ट टू हर बेडरूम जेतु नेके तेर बेडरूमर काखर रूम आसिल द मेकानिकल टीचर टॉट एन अरिथमेटिक्स लेसन ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन जेता तो प्रॉपर फ्रैक्शनर माने जुग भग्नांकर जुग वियोगर विषय ताय की करिसिल बीज गणितर भग्नांकर जुगर विषय तक शिकाइसिल इट टॉट हर हाउ टू एट द फ्रैक्शन हाफ एंड वन बाय फोर आरो तेक जे चार भगर दुई भगर एक आरो चार भगर एक ए फ्रैक्शन बुर भग्नांक बुर केने कोई जुग करिबो लागे हे विषय तेक ताक शिकाइसिल। हु वाज द काउंटी इन्स्पेक्टर व्हाट वाज हिज वर्क जे काउंटी इन्स्पेक्टर जन कुन आसिल आरो तेर काम कि आसिल द काउंटी इन्स्पेक्टर वाज द मैन हू रिपेयर्ड द टेक्निकल टीचर जे काउंटी इन्स्पेक्टर जन हल एजन मानु जिजने नेकि मेकानिकल टीचारक ठीक करे रिपेयर करे माने मेरामती करे अर्थात जिजन मानुहे कंप्यूटर ठीक करे माने जीबुर कंप्यूटर माने लिखा पढ़ा करा है हेबुर कंप्यूटर जिजन मानुहे ठीक करे हेजन मानुके काउंटी टीचर इन्स्पेक्टर बुली कुआ होइसे ही एडजस्टेड द लेवल ऑफ द टीचर एज पर द साइल्स रिक्वायरमेंट्स एंड इंटेलिजेंस आरो हे काउंटी इन्स्पेक्टर जने लरा सुवालीर प्रयोजनीय आरो तेलुकर बुद्धिर प्रति लक्ष्य राखी कंप्यूटर बुर हिटु लेवलत सेट करि थई जाय। डीट मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल इफ सो व्हाई कैसे मार्गी रेगुलर भावे स्कूल गई ने डेली और नियमित भावे निर्दिष्ट समय मत स्कूल गई ने इफ जो जदि गई तेन्ते क्यों गई तो आंसर तो हम येस मार्गी हेट रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल तर रेगुलर हिसाब से स्कूल गई बिकज हर मदार सेट लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स माके कैसे लरा छीबूरे नियमित जो सदा पढ़े तेन्ते बेसि शिक्ष पारे। व्हाई डिड टॉमी प्रोनाउंस द वर्ड सेंचुरीज एगो केयरफुली जे टॉमीए
सेंचुरीज एगो शब्द तो खूब सतर्कतार क्य कैसी आंसर टमी प्रनाउन्स द वर्ड सेंचुरी सेंचुरी शब्द तो उच्चारण कैसी बिकज हि वांटेड टू ले स्ट्रेस ऑन द फैक्ट डेट जो यार ऊपर जोर दु विचार द स्कूल वाज भेरी ओल्ड जो स्कूल बहु पुराना ये कथाटर ऊपर जोर दियार कारण ये शब्द तो कैसी And it was quite different from theirs. आरो हे स्कूलबूर तेउलुकर स्कूलर पुरा संपूर्ण पृथक आसिल हे कथा तो बुझवार कारण तै माने प्रोनाउंस कोसिल सेंचुरी से गबुलि तै कोसिल व्हाट इज द स्लॉट स्लॉट की व्हाई डस मार्गी हैट इट मार्गी ए स्लॉट ब्रो कियो घिन करिसिल आंसर स्लॉट वाज ए स्पेस इन द मेकानिकल टीचर द स्लॉट मेकानिकल टीचर एडोखर टीचर एक एडोखर ठाई व्हेयर ईच स्टूडेंट इज टू पुट हिज होमवर्क जो निकि प्रत्येक लरा छोवालिये तेउलोकर होमवर्क खिनि भराय दिबो लागे एंड टेस्ट असाइनमेंट फॉर द मार्किंग आरो तेउलोकर जिखिनि असाइनमेंट दिया आसिल हे असाइनमेंट बुर तात भराय दिबो लागिसिल अर्थात स्लॉट माने होल कंप्यूटर एनेको एटा माने अंक जो निकि ए होमवर्क और टेस्ट असाइनमेंट बुर भराय दिबो लगा होइसिल मार्गी हैड्स इट मस्ट मार्गी या खूब ए स्लॉट तो खूब बेया पाइसिल बिकॉज़ सी हैज टू वर्क हार्ड टू पांच कोड फॉर द आंसरिंग होमवर्क जो जेतु हे स्लॉट आंसर पांच कोड व्यवहार करी आंसर बुर भराबोलगिया होइसिल आरो एतु तार कारण खूब माने कष्टदायक आसिल आरो हे कारण ता एतु बेया पाइसिल तो आज विषय वस्तु खी प्रश्नबूर इमान आलोचना करलिया तो तुम लोग भिडिओबूर चाह पे मोर चेनेल तो सब्सक्राइब कर लाइक कमेंट और शेयर करवा थैंक यू वेरी मच।